तो भाई कैसे हो, खुश होना, खुश रहना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पर मैं धनुष की न्यू फिल्म वाला चेन्नई, जिसका हिंदी डब वर्जन गोल्डमैन ग्रीजन पे लॉन्च हो चुका है सेंट्रल चेन्नई के नाम से, उस फिल्म का डिटेल काउंट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं फिल्म के छुपे हुए कुछ डिटेल्स को आपके सामने पेश करूँगा और लास्ट में एक बोनस डिटेल है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहो, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जो है ऐसी मूवीज़ को लेकर वीडियोज़ बनाते रहते हैं, जिससे कि आप मूवीज़ को लेकर अपडेटेड रह सकें। दोस्तों वीडियो में बनने से पहले मैं कुछ आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। दोस्तों जिन्होंने यहाँ पर मूवी को हिंदी डब में देखा है, तो हो सकता है कुछ डायलॉग या कुछ यहाँ पर सॉन्ग्स जो है मिस हो चुके हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी डब में बहुत सारे डायलॉग्स को वो चेंज कर देते हैं और गाने तो रखते ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं तमिल वर्जन, मतलब जो कि ओरिजिनल वर्जन है, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी डब वर्जन से हो सकता है मैच ना करे, पर डिटेल्स एकदम रियल्स हैं और उसको लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदी डब में देखोगे तो ये डिटेल्स को आपको समझ नहीं सकोगे। मैं यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट डिटेल आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो समुंद्र खानी एक रिचुअल निभा रहे हैं, और दोस्तों रिचुअल निभाते वहाँ पर उसके ऊपर अटैक हो जाता है, और दोस्तों धनुष उसको बचा लेता है। और उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पर वो मीटिंग करने जाता है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो उसके गाल पर एक स्कार है। तो दोस्तों ये स्कार वो रिचुअल करने की वजह से इसके गाल में ये स्कार बना हुआ है। और दोस्तों सिर्फ ये सीन में नहीं, बाकी के फिल्म में जो जो सीन्स आते हैं इस सीन में भी ये स्कार को आप देख सकते हो। तो ये सीन देख सकते हो, तो जहाँ पर धनुष अपने बाल कटा के आया हुआ है, और दोस्तों पीछे एक दीवार आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर दीवार पे लिखा हुआ है 04/06/1991, जो कि दर्शाता है कि 1991 की एक कहानी है। पर दोस्तों ये डिटेल असली डिटेल नहीं है, जो डिटेल के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो पीछे है। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये तमिल में है तो आपको ट्रांसलेशन कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है डी जय कुमार। तो दोस्तों ये नाम रैंडमली ऐसे ही चूज़ नहीं किया गया है, पर अगर आप विकिपीडिया आराम से चेक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो 1991 पे वहाँ पर सच में इलेक्शन हुआ था, और दोस्तों डी जय कुमार रायपुरम की तरफ से एडीएम के पार्टी के तरफ से वहां पर खड़े हुए थे और जीते भी थे। तो इसलिए यहां पर पूरे एरिया में एडीएम के फ्लैग्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि एडीएम के पार्टी वहां पर जीती थी। तो बहुत ही अच्छा डिटेल था, जहां पर डायरेक्टर ने हमें पूरी तरीके से बता दिया कि ये फिल्म कहाँ की और कौन सी साल की है। तो दोस्तों आप ये सीन देख सकते हो जहाँ पर धनुष को पुलिस स्टेशन के बाहर लाया गया है, और दोस्तों ये साल है 1991। तब के ज़माने में दोस्तों पुलिस स्टेशन के बाहर एक बड़ा बोर्ड हुआ करता था, जहाँ पर बहुत सारे कुछ लिखे हुए होते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक बड़ा बोर्ड है यहाँ पर, और दोस्तों इसमें तमिल भाषा में एक फ्रेज लिखा गया है। दोस्तों उसको ट्रांसलेट करें तो ये निकलता है, जो क्राइम करता है वह सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और दोस्तों उसके क्राइम से ही वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके क्राइम से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हाँ 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 पता है, ये ट्रांसलेशन उतनी अच्छी नहीं, और गोल्डमैन के कुछ घटिया डबिंग से तो मैं अच्छा ही ट्रांसलेशन कर लेता हूँ, मुझे पता है, तो थोड़ा बेयर कर लो क्योंकि उतना अच्छा ट्रांसलेशन मैं नहीं कर पाता, पर आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बताना चाहता था। और दोस्तों इसको फिल्म के साथ रिलेट किया गया है, ये एक डिटेल है, तो फिल्म के रिलेट कैसे किया गया है मैं इसको बताना चाहूँगा। तो इसको फिल्म के साथ रिलेट किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेंथिल, गुना, जावा और वेलू उनके क्राइम की वजह से ही मारे जा रहे हैं, तो जो क्राइम करता है वो मारा जा रहा है। और एक डिटेल जो आपको देखना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों, तो उनके क्राइम से यहाँ पर धनुष बच जाता है, क्योंकि उनके क्राइम के अंदर वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो बार बार उनके क्राइम में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, पर वो उनके क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो अपने आप को और उसके एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है वो उस क्राइम से। तो इस फिल्म के पूरी जिस्ट को डायरेक्टर ने एक फ्रेज के जरिए, उस बिलबोर्ड के डिटेल के जरिए यहाँ पर दिखा दिया है, तो कितनी अच्छी ये डिटेल है। तो यहाँ पर यह सीन देख सकते हो जहाँ पर दोस्तों 1985 का एक सीन दिखाया गया है, और दोस्तों यहाँ पर एरियल शॉट जहाँ आप लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे झोपड़पट्टियाँ हैं और यहाँ पर एक जगह खाली है। पर दोस्तों जहाँ पर फिल्म ख़त्म होती है, धनुष जब बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, तब के समय में, मतलब 2003 के समय में जो एरियल शॉट लिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हो झोपड़पट्टी जो थी वो पक्की मकानों में बदल चुकी है, और यहाँ पर जो खाली जगह थी वहाँ पर दोस्तों सिंगल वेलन हॉल बन चुका है, जो कि राजन ने बनाया था। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टर ने डिटेल के जरिए बता दिया कि समय के गैप में कैसे एक एरिया स्ट्रक्चर वाइज बदलता रहता है। और लास्ट में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था बोनस डिटेल, तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर वेट्रीमैन ने बार बार यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर कैरम बोर्ड इज अ कैरेक्टर इन दिस फिल्म। तो दोस्तों ये गाना सुन लो आप। तो समझ में तो कुछ आया नहीं होगा कि तमिल में है, तो मुझे फिर से ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों वाइट कलर स्ट्राइकर से ब्लैक गोटी को पॉकेट में डाला, ये ट्रांसलेशन होता है इसका। तो
मुझे पता है फिर से ट्रांसलेशन उतने अच्छा नहीं है, पर आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, वही काफ़ी है। तो गाने के एंड में यहाँ पर हमें एंड्रिया की एंट्री देखने को मिलती है और हम सभी को पता है कि एंड्रिया सेंतिकाली को मरने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर दोस्तों एंड्रिया को यहाँ पर वाइट स्ट्राइकर की तरह दिखाया गया है, सेंथिल को ब्लैक गोटी और यहाँ पर पॉकेट को एक मर्डर की तरह दिखाया गया है। तो यहाँ पर वाइट स्ट्राइकर जो कि एंड्रिया है, ब्लैक गोटी सेंथिल को मारने की कोशिश करती है, पॉकेट में डालकर मतलब मर्डर करने की कोशिश करती है। तो पूरी चीज़ को एक कैरम बोर्ड की गेम की तरह यहाँ पर सजाया गया है। और आपको और भी डिटेल बताना चाहूँ तो यहाँ पर सेंथिल गुना और जावा वेलू को यहाँ पर चारों पॉकेट की तरह दिखाया गया है जो कि मर्डर है, और यहाँ पर जाजन को वो चारों मिलकर मर्डर करते हैं जो कि लाल गोटी रहती है, और यहाँ पर धनुष को एक स्ट्राइकर की तरह दिखाया गया है। तो इतनी अच्छी तरह से ब्रिलियंट तरीके से यहाँ पर चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया है। तो हैट्स ऑफ द डायरेक्टर जिन्होंने इन फिल्म को इस फिल्म को बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी डिटेल से बनाया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, वीडियो का सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आएगा दोस्तों। तो इस बहुत सारी और भी डिटेल्स जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ दोस्तों, अगर इस वीडियो में 30 लाइक्स, बहुत ही कम मांग रहा हूँ, 30 लाइक्स हो गए ना तो इसका सेकेंड पार्ट मैं बना दूंगा। तो प्लीज़ 30 लाइक्स कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई वीडियो की क्वायरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आपने कोई डिटेल अगर देखा है तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सबको देखने का मौका देना कि और कितने डिटेल्स हैं। फिल्म बहुत अच्छी है, अगर फिल्म को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस मूवी को देख लो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।